अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर ये कह रहा है कि राइट टू वेज, वो दो तरीके लिखिए, वेज मतलब तरीके, राइट मतलब लिखो, इन विच जिनसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब वैश्विक, वार्मिंग मतलब ऊष्मा का प्रसार या ताप का बढ़ना, क्या ग्लोबल वार्मिंग राइजेस बढ़ाता है, तो जिन तरीकों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देता है सी लेवल समुद्री स्तर को, तो ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से समुद्री स्तर को बढ़ा देता है, आपको दो तरीके लिखने हैं, राइट टू बेस। आंसर के वर्ड मीनिंग पहले देखिए, हालांकि कई तरीके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल बढ़ जाता है, एक आपने इससे पहले वाले आंसर में भी देखा था, तो पहले आंसर के वर्ड मीनिंग देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग राइजेज द सी लेवल, कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उससे बढ़ जाता है सी लेवल समुद्र का स्तर इन सेवरल वेज। तो पहले तो हमसे यह कहा कि दो तरीके लिखिए, हमने कहा कि कई तरीके से बढ़ता है, अब उसमें से हम यहां दो की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट यह है कि हायर एवरेज टेम्परेचर्स, हायर मतलब वृद्धि होना, तुलनात्मक रूप से बढ़ना, हाई बढ़ना होता है, हाई हायर हाईएस्ट, तो हायर लगाने का मतलब यह है कि जो टेम्परेचर पहले था उससे ज्यादा हो जाना, तो हायर एवरेज टेम्परेचर के औसत तापमान से ज्यादा हो जाना, रिजल्ट इन इसके परिणाम से क्या होता है, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, कैसे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट पिघलने लगते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर को हायर करेंगे किससे, जो एवरेज टेम्परेचर है, तो हायर एवरेज टेम्परेचर्स रिजल्ट इन के इसके परिणाम से होता है द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, कैसे ग्लेशियर का मेल्टिंग होने लगता है, और इसमें क्या होता है कि जो बर्फ होती है तो इन आइस बीइंग डिस्चार्ज, और आइस जो होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, आइस जो होती है वो छोड़ दी जाती है इनटू द ओशियंस महासागरों में, तो जो बर्फ होती है वो महासागरों में आकर के मिलने लगती है, और महासागरों में बर्फ मिलेगी तो जो सी लेवल होगा, जो समुद्र का जल स्तर होगा, वो निश्चित रूप से ऊपर आएगा, तो इनटू द ओशियंस कहां से, फ्रॉम द आइस कैप्स, आइस कैप्स की जो, यानी जो बर्फ के टोप हैं, तो वहां की जो बर्फ होती है वो मेल्ट होकर के ओशियन में मिलने लगती है, कहां की, ऑफ एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड की जो बर्फ होती है वो वहां से आकर के उसमें मिलने लगती है। तो एक तो ये तरीका हो गया जिससे हमारा जो सी लेवल है वो ग्रो कर जाता है, सी लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद जो दूसरा है कि ऑल्सो वेन, तब भी ऐसा होता है, द सी वॉटर गेट्स वॉर्म, ऑल्सो वेन माने तब भी होता है, द सी वॉटर कि जब समुद्र का जो पानी है गेट्स वॉर्म, ये गर्म हो जाता है, वो कैसे होता है कि देयर इज थर्मल एक्सपेंशन, तो एक थर्मल एक्सपेंशन होता है, एक तापी प्रसार होता है, काय में, इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में ऑफ द सी, समुद्र के, तो समुद्र के वॉल्यूम में तापी प्रसार होता है, रिजल्टिंग इनटू द राइज, और परिणामतः क्या होता है, राइज होता है, बढ़ जाता है इन इट्स लेवल, का परिणामतः इसके स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो यानी यहां आपने दो तरीके देखे जिन दो तरीकों से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। तो जो पहला तरीका है, तो सबसे पहले तो आप एक जनरल लाइन लिखेंगे, जैसे जो क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू वेज इन विच ग्लोबल वार्मिंग राइजेज द सी लेवल, तो आप ये लिख देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग राइजेज द सी लेवल इन सेवरल वेज, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो समुद्र के जल स्तर को कई तरीके से बढ़ा देता है। सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, आपको वो देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है कैसे, वो तो वो कई कह ही रहा है कि जो किस तरीके से बढ़ जाता है, तो वो आप पहले क्या कह रहे हैं कि ये बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से कैसे, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर है आपका उससे हायर हो जाना, तो पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा हायर एवरेज टेम्परेचर्स, रिजल्ट इन ही आपकी वर्ब बनेगी कि हायर एवरेज टेम्परेचर के परिणामतः होता है, हायर एवरेज टेम्परेचर्स रिजल्ट इन के इसके परिणामतः होता है, क्या परिणाम इसका निकलता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, के इसके परिणामतः मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है, यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका पिघलना इसके परिणामतः होता है, तो हायर एवरेज टेम्परेचर्स के एवरेज।
समझ में आ गई बात कि हायर एवरेज टेम्परेचर्स के एवरेज टेम्परेचर से हायर हो जाना, इससे क्या होता है कि रिजल्ट से इसके परिणाम तय होता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब ये जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो गया, इसमें क्या होता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के इन दिस इसमें, लेकिन यहां हम केवल दिस काम नहीं ले सकते क्योंकि पहले लिख चुके हैं, तो इन इसमें आइस बीइंग डिस्चार्ज, क्या इसमें जो आइस होती है इज बीइंग डिस्चार्ज, तो आइस जो होती है उसको डिस्चार्ज किया जाता है, इसमें आइस जो होती है बर्फ होती है उसको रिलीज किया जाता है कहां इनटू द ओशियंस, तो इन इसमें द आइस बीइंग डिस्चार्ज, क्या इसमें आइस को डिस्चार्ज किया जाता है इनटू द ओशियन, ओशियन में कहां से फ्रॉम द आइस कैप्स, जो बर्फ के टोप लगे हुए हैं ग्रीनलैंड में, और वहां तो वहां से क्या होता है कि जो आइस होती है बीइंग डिस्चार्ज, तो इन इसमें आइस बीइंग डिस्चार्ज के इसमें आइस को डिस्चार्ज किया जाता है, और काय में डिस्चार्ज किया जाता है इनटू द ओशियन, ओशियन में, और कहां से किया जाता है कि फ्रॉम द आइस कैप्स ऑफ अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के आइस कैप्स से आइस को डिस्चार्ज किया जाता है इसमें, तो इन दिस उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि इसमें आइस बीइंग डिस्चार्ज, आइस को डिस्चार्ज किया जाता है काय में इनटू द ओशियंस, ओशियंस में फ्रॉम द आइस कैप्स ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के जो आइस कैप्स हैं उनको डिस्चार्ज किया जाता है समुद्र में, तो इसके परिणाम तय निश्चित रूप से जैसे जल स्तर बढ़ जाएगा, जल स्तर कई तरीके से बढ़ जाता है, तो जो पहला तरीका है आपका वो कौन सा है कि हायर हो जाना, एवरेज टेम्परेचर का हायर हो जाना, हायर एवरेज टेम्परेचर, कि एवरेज टेम्परेचर से जब हायर हो जाता है तो रिजल्ट से इसके परिणाम तय क्या होता है मेल्टिंग, के पिघलना होता है इसके परिणाम से ऑफ आइस, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, आइस ग्लेशियर, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की ग्लेशियर्स का पिघलना होता है, और इसमें क्या होता है कि इन आइस बीइंग डिस्चार्ज, क्या इसमें आइस जो होती है वो डिस्चार्ज की जाती है काय में इनटू द ओशियन, ओशियन में कहां से फ्रॉम द आइस कैप्स, आइस कैप्स से, कहां के आइस कैप्स से ऑफ अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, क्या अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के आइस कैप्स से आइस को डिस्चार्ज किया जाता है, इसकी वजह से उसका जल स्तर बढ़ जाता है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब ये आइस, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो किस तरीके से आल्सो बहन, ये तब भी होता है कि द सी वाटर गेट्स वार्म, जो मैंने इससे पहले बताया था कि जब पृथ्वी की सतह गर्म होती है तो जो समुद्र का जो जल स्तर होता है वो भी हायर होता है, वो भी टेम्परेचर सॉरी उसका बढ़ता है, तो आप यहां लिखेंगे दूसरा कि आल्सो बहन कि ये तब भी होता है कब, द सी वाटर गेट्स वार्म, कि जब समुद्र का जल स्तर, सी वाटर गेट्स वार्म, जब समुद्र का जल स्तर गर्म होता है, आल्सो बहन के ऐसा तब भी होता है द सी वाटर गेट्स वार्म, कि जब जो सी वाटर होता है वो गर्म हो जाता है तब क्या होता है कि देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन, तब एक थर्मल एक्सपेंशन होता है इन द वॉल्यूम ऑफ द सी, कि समुद्र के वॉल्यूम में एक थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो ये कब होता है, लेकिन इसके लिए लिखना है कि ऑल्सो बैन, कि ऐसा तब भी होता है, कब होता है द सी वाटर गेट्स वार्म, कि जब जो सी वाटर होता है वो गेट्स वार्म यानी गर्म हो जाता है, ऑल्सो वन कैसा तब भी होता है कब, द सी वाटर गेट्स वार्म, कि जब सी वाटर गर्म हो जाता है तब क्या हो जाता है कि देयर इज थर्मल एक्सपेंशन, तब एक थर्मल एक्सपेंशन होता है काय में इन द वॉल्यूम ऑफ सी, समुद्र के वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन होता है, और थर्मल एक्सपेंशन के परिणाम से क्या होता है रिजल्टिंग इन टू द राइज, कि राइज होता है इन द इन इट्स लेवल या इन इट्स लेवल, तो इसके लेवल में जाकर के क्या होता है वृद्धि होती है, तो ये दो तरीके हैं जिन दो तरीकों से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से दूसरा पॉइंट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि ऑल्सो वैन, यानी ये ऐसा तब भी होता है, कब होता है द सी वाटर गेट्स वार्म, जब जो सी वाटर होता है वो गर्म हो जाता है तब क्या होता है कि देयर इज थर्मल एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ सी, कि थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है इन द वॉल्यूम ऑफ सी, समुद्र के जल स्तर वॉल्यूम में, समुद्र के वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, और थर्मल एक्सपेंशन के परिणाम से क्या होता है कि रिजल्टिंग इनटू द राइज, इसके परिणाम से राइज होता है इन इट्स लेवल, इसके लेवल में। क्लियर, चलिए एक बार पूरे आंसर को फिर से देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि राइट टू वेज, आपको वो दो तरीके लिखने हैं इन विच जिनसे ग्लोबल वार्मिंग जो होती है राइजेज वो बढ़ा देती है किसको, सी लेवल्स को, तो दो तरीके बताइए जिनसे ग्लोबल वार्मिंग जो होती है सी लेवल को राइज कर देते हैं।
क्या क्या देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग राइजेज द सी लेवल इन सेवरल वेज। सबसे पहले किस तरीके से कि हायर एवरेज टेम्परेचर्स, एवरेज टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर होना रिजल्ट्स इन, इसके परिणामतः होता है मेल्टिंग ऑफ, किसका पिघलना होता है, जो आइस होती है, जो बर्फ होती है, तो उनका पिघलना हो जाता है, तो उसको आप कह सकते हैं ग्लेशियर्स। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, किसके परिणामतः ग्लेशियर का पिघलना हो जाता है, और इस प्रोसेस में तो इन दिस आइस बीइंग मेल्टिंग, तो ये जो आइस होती है, आइस बीइंग डिस्चार्ज, सॉरी आइस को डिस्चार्ज किया जाता है इनटू द ओशियन, ओशियंस में कहां से, फ्रॉम द आइस कैप्स, कहां के, ऑफ अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। दूसरा ऑल्सो वेन, ऐसा तब भी होता है, कब होता है, जब समुद्र का जो पानी होता है वो गर्म होता है, वेन द सी वाटर गेट्स वार्म, जब सी वाटर गर्म हो जाता है तब क्या होता है कि ऑल्सो वेन, ऐसा तब भी होता है द सी वाटर गेट्स वार्म, कि जब सी वाटर गर्म हो जाता है तो फिर कहेंगे कि एक तापी प्रसार होता है। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसे देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर इज थर्मल एक्सपेंशन इन द ओशियन, कि ओशियन में थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ द ओशियन, कि ओशियन में थर्मल एक्सपेंशन होता है और इसके परिणामतः क्या होता है कि रिजल्टिंग इन टू द राइजेज, राइजेज होता है इन इट्स लेवल, कि इसके परिणामतः इसके लेवल में वृद्धि होती है। क्लियर।